दोस्तों आप लोग का स्वागत है हमारे चैनल पर पी आर नॉलेज सेंटर पर। आज हम करेंगे लेक्चर नंबर 4 जो कि पर्यावरण सतत विकास का है। इसमें 1990 से लेकर 2023 तक के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर के RO, UPSC, PBCC से किसी भी स्टेट एग्जाम जो भी PYQ हैं सारे के सारे इसमें इंक्लूड हैं। इसको आप पढ़िए और अपना रिविजन के लिए करिए और आप देखेंगे बहुत सारा क्वेश्चन रिपीटेड हुआ है, चाहे UPSC चाहे IAS हो, चाहे UPSC हो, चाहे EBPSC हो, चाहे RO का हो। तो चलिए स्टार्ट करें। इस पर मैं आपको बता दूँ कि हमारा NCERT का सीरीज, साथ ही साथ रीजन IAS करंट अफेयर और टेस्ट भी चल रहा है, तो उसको भी इंजॉय करिए और क्लास को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, शेयर करिए। तो लेट्स स्टार्ट पर्यावरण सतत विकास लेक्चर नंबर 4। तो जैव विविधता एवं संकटापन्न जातियों के बारे में है ये। तो पर्यावरण में प्राकृतिक और मानवीय कारकों की वजह से विभिन्न जातियों पर संकट उत्पन्न हो जाते हैं। इनसे उनकी संख्या कम हो जाती है। पिछले 10 वर्षों में गिद्धों की संख्या में एकाएक गिरावट आई है और पेरी ग्रीन फंड नामक गैर सरकारी संगठन और कुछ अन्य संगठनों ने, वैज्ञानिक पाकिस्तान ने इसके उत्तरदायी कारक को खोज लिया है। डिक्लोफेनिक सोडियम दर्द निवारक दवा, जिसका उपयोग किसानों द्वारा पशुओं के दर्दनाशक निवारक के रूप में एवं बुखार के इलाज में किया जाता है। दरअसल जब डिक्लोफेनिक सोडियम के उपयोग के दौरान पशु मर जाता है तो मरे हुए पशु को जब मांस जब गिद्ध एक बार खा लेता है तो 30 दिन के भीतर उसकी मृत्यु हो जाती है। इस दवा के कुप्रभाव के से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि पिछले 10 वर्षों में भारत, नेपाल और पाकिस्तान बड़े पैमाने पर गिद्धों की मृत्यु हुई है। तो इसको हम एक्चुअली क्वेश्चन के थ्रू कर लेते हैं, बस थोड़ा शोरगुल है तो आई होप कि आप थोड़ा उसको मैनेज करिए कि कौन सी ड्रग गिद्धों के समष्टि हाशमे के लिए उत्तरदायी है। तो वह है डिक्लोफेनिक ड्रग्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में गिद्धों की तेज़ी से घटती जनसंख्या का मुख्य कारण क्या है। तो वह डिक्लोफेनिक दवा का अत्यधिक उपयोग। पशुओं को दिया जाने वाला कौन सा दर्द निवारक भारत में गिद्धों के लगभग विलुप्त होने के लिए उत्तरदायी है। तो वह है डिक्लोफेनिक। भारत में गिद्धों की कमी का अत्यधिक प्रमुख कारण क्या है। तो डिक्लोफेनिक दर्द निवारक दवा। कुछ वर्ष पहले तक गिद्ध भारतीय देहातों में आमतौर से दिखाई देते थे किंतु आजकल कभी कभार ही नज़र आते हैं। इस स्थिति के लिए उत्तरदायी कारक क्या है। तो ये है गो पशु मालिकों द्वारा रोक्त पशुओं के उपचार हेतु प्रयुक्त की गई औषधि। मॉरिशस में एक वृक्ष प्रजाति प्रजनन असफल रही, उसका कौन सी थी, वह डोडो थी। मॉरिशस के टंबल लोको जिले में डोडो वृक्ष के नाम से जाना जाता है, जो डोडो पक्षी के विलुप्त होने के कारण प्रजनन में असफल रहा, जिसकी वजह से यह भी लगभग विलुप्त हो रहा है। भारतीयों में वन्य जीवन के संदर्भ में उड्डयन बलगुल निम्नलिखित क्या है। तो वह है चमगादड़। ये सब करंट के न्यूज होते हैं। और नेक्स्ट है, ड्यूगोंग नामक समुद्री जीव के विलोपन के कगार पर है, क्या है वो, तो स्तनधारी मैमल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पाए जाने वाले स्तनधारी ड्यूगोंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक शाकाहारी समुद्री जानवर है, यह भारत के पूरे समुद्र तट के साथ साथ पाया जाता है। और तीसरा है, इसे वन्यजीव अधिनियम 1972 के अनुसूची 1 के अधीन विधिवत संरक्षण दिया गया है। तो उसमें जो है ये ऑप्शन 1-3 सही है, दूसरा गलत है। यह भारत समुद्र के साथ साथ पाया जाता है तो गलत है, बाकी दोनों सही हैं। तो यहाँ पर इसका एक्सप्लेनेशन दिया है, डिंगोंग एक समुद्री स्तनधारी है, एक शाकाहारी स्तनधारी और घास खाने की इसकी आदत कारण से समुद्री गाय भी कहा जाता है। बलुई और लवड़ी क्षेत्र में एक भारतीय पशु जाति का प्राकृतिक आवास है। उस क्षेत्र में उस पशु में कोई परभक्षी नहीं है किंतु आवास ध्वस्त होने के कारण उसका अस्तित्व खतरे में है। यह पशु निम्नलिखित में से कौन सा हो सकता है। तो वह भारतीय वन्य गधा। प्रोसोपिस जूली फ्लोरा नामक पादप प्रायः क्यों समाचारों में उल्लिखित होता है। तो वह होता है जिस क्षेत्र में वह उगता है वहाँ की जैव विविधता को कम करने लगता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें सिंह पूछी वानर अपने प्राकृतिक आवास में पाया जाता है। तो वह है तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में। तो ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए, काली गर्दन वाला सारस, चीता, उड़न गिलहरी, हिम तेंदुआ, कौन सा इसमें हो जाएगा। तो हो जाएगा काली गर्दन वाला और उड़नगिरी और हिम तेंदुआ, चीता नहीं होगा। तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी। ये IAS 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो बाकी सब प्राकृतिक रूप में पाए जाते हैं। भारत की जैव विविधता के संदर्भ में सिलोन, प्रगमथाऊ, कॉपर स्मिथ, बारबेड, ग्रे चिंट, मॉनिवेट और वाइट थ्रोटेड रेस्टार्ट क्या है। तो वह है पक्षी।
इष्ट है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में लवण जल मगर पाया जाता है, और मालाबार क्षेत्र में पश्चिम घाटों में श्रू और टैपीर पाए जाते हैं। तो कौन सा है? पहला सही है, दूसरा गलत है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में समुद्री जीव जंतुओं में ड्यूगोंग, डॉल्फिन, व्हेल, साल्ट वाटर क्रोकोडाइल और समुद्री कछुआ, समुद्री सांप आदि सामान्य रूप से बहुतायत में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन 16वां है, भारत में रेड पांडा निम्नलिखित प्राकृतिक रूप से केवल पश्चिमी हिमालय में पाया जाता है। तो भारत में स्लो रोसरिस और पूर्व उत्तर पूर्व के सघन वनों में पाया जाता है। तो दूसरा सही है, पहला गलत है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो ये देखते हैं आंसर। तो आईयूसीएन रेड लिस्ट की नवीनतम सूची मरुस्थली बिल्ली तथा हूलांग गिबन, तो ये सारे ना करंट के न्यूज़ होते हैं। चलिए अगला कहते हैं रामसर सम्मेलन। तो जैव विविधता पृथ्वी पर जल व स्थल दोनों स्थानों पर पाई जाती है। अर्धभूमि में भी जैव विविधता बड़ा संग्रहकार है। अर्धभूमि क्षेत्र जली तथा शुष्क स्थली मरुस्थली तंत्र के क्षेत्र के बीच के क्षेत्र हैं। अर्धभूमि क्षेत्र प्रकृति में पानी को सोखने और छानने के लिए विशाल स्पंज है। ये पोषक पदार्थों की मात्रा को कम करके तलछटों को हटाकर जल को शुद्ध करते हैं। बाढ़ के दौरान आर्द्र भूमियाँ जल में मौजूद तलछट और पोषक तत्वों को अपने समा लेती हैं और सीधे नदी में से रोकती हैं। रामसर सम्मेलन आर्द्रभूमि के संरक्षण संबंधित है, और रामसर ईरान में अवस्थित नगर है जो 2 फरवरी 1971 में हुई प्रतिभागी राष्ट्रों के कन्वेंशन में नींव पड़ी। 1975 में पूर्णता क्रियान्वित हुई रामसर हुई बैठक कारण इसे रामसर कन्वेंशन के नाम से जाना जाता है। भारत में इस कन्वेंशन को 1 फरवरी 1982 से लागू किया गया। वर्तमान में विश्वभर में स्थित रामसर स्थलों की कुल संख्या 2,471 है। इन रामसर स्थलों के अंतर्गत खुले बहुत सारे हेक्टेयर में आते हैं। तो ये है रामसर सम्मेलन। तो रामसर साइट है, ये कुल 75 साइट हैं। अष्टमुडी आर्द्रभूमि जो है केरल में स्थित है, यहाँ पर डेट भी दिया है। भितरकनिका उड़ीसा, भोज आर्द्रभूमि मध्य प्रदेश, और चंद्रताल आर्द्रभूमि हिमाचल प्रदेश, और चिल्का उड़ीसा, और दीपोर असम, और पूर्वी कोलकाता पश्चिम बंगाल, याद कर लीजिए सब, हरिके झील पंजाब, होकेरा आर्द्रभूमि होकेरा जम्मू कश्मीर, कांजली झील पंजाब, केवला देव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान, कोलेरू झील आंध्र प्रदेश, लोकटक झील मणिपुर, नाग सरोवर पक्षी गुजरात, पॉइंट कैलिमियर वन्यजीव और पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु, और पोंग बांग झील कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में है, और रेडिपा आंध्र प्रदेश आर्द्रभूमि हिमाचल प्रदेश, रोपड़ पंजाब में है, रुद्रसागर झील त्रिपुरा में, सांभर झील राजस्थान में, और सस्थाम कोटा झील कहाँ पर? केरल में, सुंदरबन आर्द्रभूमि पश्चिम बंगाल में है, और सुरसर मानसर झील कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में है। तेज सोम म्योरीरी लद्दाख में है, और ऊपरी गंगा नदी उत्तर प्रदेश में है, और बेबनाद कोल आर्द्रभूमि केरल में है। अगला है बुलर झील जम्मू कश्मीर में है, कोसोपुर मियानी कम्युनिटी रिजर्व पंजाब में है, और अगला है ब्यास कंजर्वेशन रिजर्व कहाँ पर है? पंजाब में है, और नांगल वन्यजीव अभयारण्य पंजाब में है, नंदूर मगवेश्वर महाराष्ट्र में है, और नवाबगंज पक्षी उत्तर प्रदेश में, पार्वती अर्घा पक्षी उत्तर प्रदेश में है, समसपुर पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश में है, सरसई नावर झील उत्तर प्रदेश में है, सांडी पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश में है, और कौन सा समान पक्षी अभयारण्य ये भी उत्तर प्रदेश में है, और आंसन कंजर्वेशन उत्तराखंड में है, कबरताल अर्धभूमि बिहार में, लोनार महाराष्ट्र में है, सुर सरोवर उत्तर प्रदेश में है, सो कार अर्धभूमि लद्दाख में है, बदवान अर्धभूमि जो है गुजरात में है, थोल झील वन्यजीव गुजरात में, भिंडवास वन्यजीव हरियाणा में है, सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क जो है हरियाणा में, हैदरपुर आर्द्रभूमि उत्तर प्रदेश में, बघीरा जो है उत्तर प्रदेश में है, जो कि 2021 के साइट हैं, ये याद कर लीजिए, थोड़े इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, और खिजड़िया वन्यजीव जो है गुजरात में है, और 2022 के भी दिए हैं। नंदा झील गोवा का, और ये है हाइगम वेटलैंड कंजर्वेशन जम्मू कश्मीर का है, 2022 का है, और सालबुल वेटलैंड कंजर्वेशन जम्मू कश्मीर का है, और अरंगनाथ थिट्टू पक्षी अभयारण्य 2022 कर्नाटक का है, और साखे सागर मध्य प्रदेश ये भी 2022 का है। और नेक्स्ट एक मिनट, और ठीक है, सीरपुर वेटलैंड मध्य प्रदेश 2022 का, यशवंत सागर मध्य प्रदेश 2022,
ठाकरे क्रीक महाराष्ट्र का है 2022, और पाला वेटलैंड मिजोरम में 2021 का। अनसुपा झील उड़ीसा है, हीराकुंड जलाशय उड़ीसा 2021 है, सतकोसीय झील उड़ीसा 2021, तंबारा झील उड़ीसा 2021। और 2021 का चित्रागुंडी पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु है। 2022 का मन्नार की खाड़ी समुद्री जल मंडल तमिलनाडु। कंजीरकुलम पक्षी अभयारण्य 2022 तमिलनाडु। कारीकिली पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु। और कुंथनकुलम पक्षी अभयारण्य 2021 तमिलनाडु है। पल्लीकरनई मार्स जो है तमिलनाडु 2022 का है। पिचवरम मैंग्रोव 2022 तमिलनाडु का है। सुचिंद्रम थेरूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स तमिलनाडु 2022 का है। उदत मार्तंडपुरम पक्षी अभयारण्य 2022 का है तमिलनाडु में। और वुडुवर पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु 2022 है। बेंदनथंगल पक्षी अभयारण्य 2022 तमिलनाडु का है। वेलोड पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु का है। बेंबनूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स तमिलनाडु 2022 का है। चलिए अब क्वेश्चन करते हैं। रामसर संरक्षण से संबंधित था, नम और भूमि से, मतलब वेटलैंड से। रामसर सम्मेलन संबंधित है वो है आर्द्रभूमि संरक्षण से, आरओआरएम पूछा गया क्वेश्चन है। अगला, बिहार का प्रथम रामसर क्षेत्र कहाँ स्थित है, तो बिहार बीपीएससी में पूछा गया है, ये बेगूसराय में है। अगला, बिहार का पहला रामसर बेगूसराय है। एक मिनट, कंवर झील है। और वेटलैंड दिवस मनाया जाता है, तो वेटलैंड दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस में भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्रभूमि है, तो गुजरात में है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित आर्द्र क्षेत्रों में किन्हें रामसर का दर्जा प्राप्त किया गया है, तो सभी को, चिल्का रोहतक केवलादेव वुलर जी सबको प्राप्त है। रामसर स्थल क्या होते हैं, तो ये अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमियाँ होती हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा रामसर आर्द्रभूमि स्थल भारत के किसी राज्य में स्थित है, तो वह जो है पॉइंट कैलीमियर वन्यजीव और पक्षी अभयारण्य। तो जलीय पारिस्थितिक प्रणालियों के बीच संक्रमणीय भूमि जहाँ जल आमतौर पर सतह पर होता है, उस भूमि उथले पानी से ढकी होती है, आर्द्रभूमि कहलाती है। ओकेरा आर्द्रभूमि एवं बुलर झील केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में, एवं सोमरी झील केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में स्थित, जबकि पॉइंट कैलीमियर वन्यजीव तमिलनाडु राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत रामसर स्थल में स्थित है, तो वह है सुंदरबन और भोज आर्द्र स्थल। पार्वती अर्गा रामसर स्थल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो वह है, यह उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में स्थित है, यह एक पक्षी अभयारण्य है, दोनों के दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि अंतर्राष्ट्रीय महत्व की किसी आर्द्रभूमि को मॉन्ट्रियो रिकॉर्ड के अधीन लाया जाए तो इससे क्या होगा, तो इससे होगा ये कि मानव के हस्तक्षेप के परिणाम स्वरूप आर्द्रभूमि में पारिस्थितिकी स्वरूप में परिवर्तन हो गया है या हो रहा है या होना संभावित है। अगला क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी निकाय के रूप में आर्द्रभूमि निम्नलिखित में से किस हेतु उपयोगी है, तो वह उपयोगी है उपयुक्त सभी, मतलब पोषक पुनर्प्राप्ति चक्रण के लिए, पौधों द्वारा अवशोषण के माध्यम से भारी धातुएं अवमुक्त करने के लिए, और तलछट रोककर नदियों एवं गादीदार कम करने हेतु, बाकी सब सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि वर्षा वन और उष्णकटिबंधीय वन पृथ्वी के फेफड़े हैं, तो निश्चित ही आर्द्रभूमियाँ इसके गुर्दे की तरह काम करती हैं, निम्नलिखित में से आर्द्रभूमियों का कौन सा एक कार्य उपर्युक्त कथन को सर्वोत्तम बनाता है, तो वो कार्य जो है वह है आर्द्र पादप धातुओं और पोषकों के अधिक को अवशोषित कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत एक आर्द्रभूमियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए, आर्द्रभूमि के अंतर्गत देश का कुल भौगोलिक क्षेत्र अन्य राज्यों की तुलना में गुजरात में अधिक अंकित है, और भारत में तटीय आर्द्रभूमि का कुल भौगोलिक क्षेत्र आंतरिक और आर्द्रभूमि के कुल भौगोलिक क्षेत्र से अधिक है, तो ये जो पहला सही है दूसरा गलत है, यहाँ एक्सप्लेनेशन दिया है आप पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, रामसर सम्मेलन के अनुसार भारत के राज्य क्षेत्र में सभी आर्द्रभूमियों को बचाना और संरक्षित रखना भारत सरकार के लिए अधिशेषित है, तो ये तो गलत है भाई, आर्द्रभूमि 2010 भारत सरकार के रामसर सम्मेलन की सुस्तियों का आधार बनाया गया, ये भी गलत है। तीसरा सही है, आर्द्रभूमि नियम 2010 अंदर आर्द्रभूमि के अपवाह क्षेत्र या जलग्रहण क्षेत्रों को भी सम्मिलित करने के कहते हैं, जैसा कि प्राधिकार द्वारा निर्धारित किया गया है। ठीक है, अब ये है विभिन्न अधिनियम एवं करार। ठीक है, तो जैव विविधता का संरक्षण हेतु समय समय पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न अधिनियम एवं करार दिए गए हैं, इनमें से प्रमुख हैं जैसे जैव विविधता अधिनियम लोकसभा द्वारा
दिसंबर 2002 को राज्यसभा द्वारा 11 सितंबर 2002 को पारित किया गया। 5 फरवरी 2003 को राष्ट्रपति ने इस अधिनियम को स्वीकृति प्रदान की। तो चलिए अधिनियम पे तो ज़्यादा जाएंगे नहीं, हम क्वेश्चन के थ्रू ही करेंगे जो करना है। तो भारतीय संसद द्वारा जैव अधिनियम को पारित किया गया, वो पारित किया गया दिसंबर 2002 में, ठीक है। और भारत में जैव विविधता अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया, 2002 में। भारतीय राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण स्थापित किया गया, वो चेन्नई में 2003 में किया गया। जैव विविधता अधिनियम 2002 के प्रावधानों को कार्यान्वित करने के लिए उद्देश्य से राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की स्थापना 2003 में की गई। इसका मुख्यालय तमिलनाडु चेन्नई में है। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण भारत में कृषि संरक्षण के लिए इस प्रकार की सहायक है, तो इसमें से कौन सा सही? तो पहला NBA जैव चोरी को रोकता है तथा देसी और परंपरागत अनुवांशिक संसाधनों का संरक्षण करता है, बिल्कुल सही है। और NBA कृषि पादपों के अनुवांशिक संशोधन पर चल रहे वैज्ञानिक अनुसंधान को प्रत्यक्षता मॉनिटर करता है और इसका निरीक्षण करता है, तो दूसरा गलत है। और तीसरा NBA की अनुशंसा के बिना अनुवांशिक और जैव संसाधनों के संबंधित बौद्धिक अधिकार हेतु आवेदन नहीं किया जा सकता, तो तीसरा सही है। 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट है वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल नामक संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो यह संरक्षण संगठनों की विश्वव्यापी भागीदारी है। दूसरा जैव विविधता हॉटस्पॉट की संकल्पना इस संगठन से शुरू हुई है। महत्वपूर्ण पक्षी एवं जैव विविधता क्षेत्र के रूप में ज्ञात निर्दिष्ट स्थलों की पहचान करता है, तो इसमें पहला तीसरा सही है, दूसरा गलत है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? तो इसमें जो कथन दिए गए इसमें तीसरा सही है, जैव सुरक्षा उपसंधि अनुवांशिक रूपांतरित जीवों के संबंध है। तो 2005 में आई इसमें पूछा गया क्वेश्चन है, तो जैव सुरक्षा पर काटा जोआ उपसंधि के पक्षकारों की प्रथम बैठक MOP मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुरम में 23-27 फरवरी 2004 के मध्य संपन्न हुई थी। अतः यह कथन दो गलत है। भारत में जैव सुरक्षा उपसंधि जैव विविधता पर समझौते पर हस्ताक्षर 23 जनवरी 2001 को किया गया था, अतः कथन बी भी गलत है। जैव सुरक्षा उपसंधि अनुवांशिक रूपांतरित जीवों से संबंध है, इसलिए कथन सी सही है। संयुक्त राज्य अमेरिका और जैव सुरक्षा कार्टा जोआ उपसंधि जैव विविधता पर समझौते का सदस्य नहीं है, अतः डी गलत है। अगला है वाणिज्य में प्राणी जात और वनस्पति जात के व्यापार संबंधी विश्लेषण रेड रिकॉर्ड्स और एनालिसिस ऑफ फौना एंड फ्लोरा एंड ट्रैफिक के संदर्भ में कथन पर विचार कीजिए। ट्रैफिक संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अंतर्गत एक ब्यूरो है, तो ये गलत है। और दूसरा ट्रैफिक का मिशन है सुनिश्चित करना है कि वन्य पादपों और जंतुओं के व्यापार में प्रकृति को संरक्षण का खतरा ना हो, तो बिल्कुल दूसरा सही है। तो वाणिज्य में प्राणी जात और वनस्पति जात के व्यापार संबंधी विश्लेषण ट्रेड रिकॉर्ड एनालिसिस मतलब ट्रैफिक या सतत विकास एवं जैव विविधता संरक्षण संबंध वन्य पादप एवं जंतुओं के व्यापार पर निगरानी रखने का कार्य करता है। ट्रैफिक का मिशन एक सुनिश्चित करना है कि वन्य पादपों और जंतुओं के व्यापार से प्रकृति के संरक्षण को खतरा नहीं हो, तो ट्रैफिक की स्थापना 1976 में की गई और WWF एवं IUCN के रणनीति गठबंधन है इसमें, और UNEP के अंतर्गत एक ब्यूरो नहीं है। भारत रामसर अभिसमय का एक पक्षकार है और अपने बहुत से क्षेत्रों को रामसर स्थल घोषित किया है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन इस अभिसमय के संदर्भ में सर्वोत्तम रूप से बताता है कि इन स्थलों का अनुरक्षण कैसे किया जाना चाहिए? तो इन सभी स्थलों को पारिस्थितिकी तंत्र उपागम को संरक्षण किया जाए और साथ ही साथ इनके धाड़ी उपयोग की अनुमति दी जाए, तो यही सही है। निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय करारों पर विचार कीजिए। खाद्य एवं कृषि हेतु पादप आनुवंशिक संसाधन के विषय में अंतर्राष्ट्रीय संधि है। दूसरा मरुभवन का सामना करने हेतु संयुक्त राज्य अभिसमय विश्व विरासत अभिसमय, तो ये जो है तीनों के तीनों ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत सरकार ने नॉर्वे सरकार के साथ मिलकर एक जैव विविधता नीति एवं कानून के लिए केंद्र स्थापना की, तो वह कौन सा है? चेन्नई में। भारत सरकार नॉर्वे सरकार के साथ मिलकर जैव विविधता नीति मतलब सेंट्रल बायोडाइवर्सिटी पॉलिसी एंड ला सीबपोल की स्थापना चेन्नई में की है, जिसका उद्देश्य जैव विविधता नीतियों और व्यावसायिक दक्षता तथा क्षमता निर्माण का विकास करना है। और जैव विविधता तथा संयुक्त राष्ट्र व विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों की बात करें तो चलिए क्वेश्चन के थ्रू ही हम करेंगे। तो जैव सुरक्षा का काटा जोआ प्रोटोकॉल क्या है? तो वह है पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का। तो जैव सुरक्षा संबंधी काटा जोआ प्रोटोकॉल जो है भारत में 23 जनवरी 2001 को हस्ताक्षर किया गया था। भारत में इसको पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय कार्यान्वित करता है। जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के दलों का 10वां सम्मेलन आयोजित किया गया, तो वह आयोजित किया गया था नगोया में।
तो जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के दलों का 10वां सम्मेलन नगोया में 2010 में आयोजित किया गया था। इसमें जैव विविधता के संरक्षण संबंधी उपायों पर चर्चा की गई थी। अगला क्वेश्चन है, अनरेड प्लस प्रोग्राम की समुचित अभिकल्पना और प्रभावी कार्यान्वयन महत्वपूर्ण रूप से योगदान दे सकते हैं। तो जैव विविधता संरक्षण करने में, वन्य जीव पारिस्थितिकी समुत्थानशीलता में और गरीबी कम करने में, तीनों के तीनों में। अगला क्वेश्चन है, परितंत्र एवं जैव विविधता द इकोनॉमिक इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी नामक पहल के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर कौन सा सही है। तो एक पहल जिसकी मेजबानी UNEP IMF एवं विश्व आर्थिक मंच करते हैं, तो गलत है। यह एक विश्वव्यापी पहल जैव विविधता के आर्थिक लाभों के प्रति ध्यान आकर्षित करने का केंद्रित है। यह ऐसा उपागम प्रस्तुत करता है जो पारितंत्रों और जैव विविधताओं के मूल्य की पहचान, निर्देशन और अभिग्रहण में निर्णयकर्ताओं की प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो दूसरा तीसरा सही, पहला गलत है, क्योंकि परितंत्र एवं जैव विविधता का अर्थतंत्र एक विश्वव्यापी पहल है। यह जैव विविधता संरक्षण परितंत्र के आर्थिक लाभों के प्रति ध्यान आकर्षित करती है और यह निर्णयन प्रक्रिया में निर्णय लेते समय परितंत्र व जैव विविधता द्वारा प्राप्त लाभों को ध्यान में रखने में सहायक करती है। यह पहल परितंत्र एवं जैव विविधता के आर्थिक लाभों को प्रस्तुत कर निर्णयकारों के लिए सभी स्तरों पर निर्दिग्ध दर्शक की भूमिका निभाती है। पांचवा है, वेटलैंड इंटरनेशनल नामक संरक्षण संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित कथन में से कौन सा सही है। तो यह रामसर अभिसमय के हस्ताक्षरकर्ता देशों द्वारा बनाया गया यह अंतर सरकारी संगठन है। और दूसरा है, यह ज्ञान के विकास और संग्रहण के लिए तथा व्यवहारिक अनुभव का बेहतरीन नीतियों द्वारा समर्थन करने के लिए एक क्षेत्र स्तर पर कार्य करता है। तो इसमें दूसरा सही है, पहला गलत है, ठीक है। यहाँ एक्सप्लेनेशन दिया है, आप पढ़ सकते हैं तो पढ़ लीजिए। तो जैव विविधता विविध करेंगे हम। तो पहला क्वेश्चन क्या है, सबसे लंबा जीवित वृक्ष, तो सबसे लंबा सिकोया है। सबसे लंबा जीवित वृक्ष सिकोया है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया में स्थित है। यह वर्ष 2019 में मापन के अनुसार इसकी लंबाई जो है 381 फीट है। निम्नलिखित में से कौन किसी प्रजाति के लिए उत्तरदायी नहीं है। तो वह है व्यापक नीव, मतलब कर्मता। व्यापक नीव मतलब ब्रॉड नीव के किसी प्रजाति के विलोपन के लिए उत्तरदायी नहीं है। सीबन थोन विश्वव्यापी मार्केट की बड़ी संभावनाएं हैं। इस पेड़ के बेर में विटामिन और पोषक तत्व प्रचुर होते हैं। चंगेज खान इसका प्रयोग अपनी सेना के ऊर्जा स्वित को उन्नत करने के लिए किया था। रूसी कास्मोनाटों ने इसके तेल को कास्मिक विकिरण से बचाव के प्रयोग किया था। भारत में पौधा कहाँ पाया जाता है, तो पाया जाता है लद्दाख में, ऑप्शन बी। अगला है, भारत सरकार सीबक थोन की खेती को प्रोत्साहन कर रही है। इस पादप का क्या महत्व है। तो यह मृदा क्षरण के नियंत्रण में सहायक और मरुस्थलीकरण को रोकता है। यह बायोडीजल का एक समृद्ध स्रोत है। इसमें पोषकीय मान होता है और यह उच्च तुंगता वाले ठंडे क्षेत्रों में जीवित रहने के लिए परिभाती अनुकूलित होता है। इसकी इमारती लकड़ी का उच्च वाणिज्यिक मूल्य है। तो कौन सा सही है, पहला और तीसरा सही है। पहला सही है, तीसरा सही, बाकी दोनों गलत हैं। तो ये 2012 में पूछा गया। तो सीबक थोन भारत में लेह बेरी के नाम से लोकप्रिय एक पर्णपाती झाड़ी है। भारत के लद्दाख तथा जम्मू एवं कश्मीर में केंद्रशासित प्रदेशों में कुकुमसारी, लाहौल, काजा, ताबो, नथुला तथा उत्तराखंड एवं अरुणाचल प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में पाया जाता है। इस पौधे की पत्ती, फल, जड़ और कांटे सभी उपयोगी हैं, जिनका परंपरागत रूप से औषधि निर्माण, पोषक पूरकता और ईंधन, पर्यावरण संरक्षण, बाढ़ इत्यादि हेतु इस्तेमाल किया जाता है। दो महत्वपूर्ण नदियाँ जिनमें एक का स्रोत झारखंड में है, जो उड़ीसा में दूसरे नाम से जानी जाती है, तथा दूसरी जिसका स्रोत उड़ीसा में समुद्र में प्रवाह करने से पूर्व एक ऐसे स्थान पर संगम करती है जो बंगाल की खाड़ी से कुछ ही दूर है। यह वन्य जीवन तथा जैव विविधता का प्रमुख स्थल है और सुरक्षित क्षेत्र में निम्नलिखित में से वह कौन सा स्थान है। तो यह हो जाएगा भितरकनिका ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह विचार कीजिए, चमगादड़, भालू, कृतक। तो निम्नलिखित शीत निष्क्रियता की परिघटना का प्रेक्षक किया जाता है। तो वह हो जाएगा तीनों के तीनों में। तो जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, तो मनाया जाता है 22 मई को। इसमें ऑप्शन नहीं दिया है, विश्व जैव विविधता 22 मई, ऑप्शन बी। थोमा रोजा बायोडाइवर्सिटी पुस्तक के की लेखिका कौन है, तो वह है वंदना शिवा। तो हरित गृह प्रभाव एवं जलवायु परिवर्तन,